मणिपुर में जारी हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी भी कई जगहों से हिंसक घटनाओं की खबर आ रही है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशम खान और स्वागत है आप सभी का सियासी हलचल में। केंद्र और मणिपुर सरकार ने राज्य में जातीय संघर्ष के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। दंगे में मारे गए व्यक्ति के परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि मुआवजे की राशि केंद्र और राज्य सरकार बराबर बराबर वहन करेगी। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बीच सोमवार रात को हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में मुआवजे की घोषणा को लेकर फैसला किया गया। इस बैठक में ये सुनिश्चित करने का भी फैसला किया गया कि बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए पेट्रोल, एलपीजी गैस, चावल और अन्य खाद्य सामग्री जैसी वस्तुएं अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। आपको बता दें, गृह मंत्री सोमवार रात को विमान से इम्फाल पहुंचे और उनके साथ गृह सचिव अजय कुमार भल्ला तथा खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका भी थे। अमित शाह ने मंगलवार को मेतई और कुकी समुदाय से जुड़े राजनीतिक एवं नागरिक संस्था के नेताओं के साथ कई बैठकें की और चूरा चांदपुर का दौरा किया। चूरा चांदपुर इस महीने की शुरुआत में हुए दंगे में बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है। मणिपुर में जनजातीय एकता मार्च के बाद पहाड़ी जिलों में पहली बार जातीय हिंसा भड़क उठी। एसटी के दर्जे की मांग को लेकर मेतई समुदाय ने 3 मई को प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जनजातीय एकता मार्च का आयोजन किया था। इसके बाद गत रविवार की हिंसा समेत अन्य हिंसक घटनाएं हुई। रविवार की हिंसा में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई। अभी के लिए इतना ही, कल फिर जुड़ेंगे नए मुद्दे के साथ सियासी हलचल में। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।